नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। लोकसभा चुनाव तारीखों के ऐलान से ठीक पहले एमपी में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, सांसद अजय प्रताप सिंह ने पार्टी अब छोड़ दी है। वहीं लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले ऐसा होना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा, जिसमें बीजेपी के राज्यसभा सांसद, आपको बताएं, अजय प्रताप सिंह ने पार्टी से अब इस्तीफा दे दिया है। और उनकी इस जानकारी जो है उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी दे दी है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि सीधी से टिकट ना मिलने से नाराज थे वो, इसलिए देश में अब अपने चंद घंटों के बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का अब ऐलान होने वाला है। लेकिन इससे पहले मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग गया। पहले तो आप देखिए कि अजय प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा। सदन के माध्यम से और आप सभी के माध्यम से समाज के बीच में सरकार उठाता रहा है, जिन लोगों की अपेक्षा हुई है, इसलिए मुझे लगा कि पार्टी के अंदर रहकर ये कार्य संभव नहीं हो सकता है। जन हित में मुझे लगा कि पार्टी के बाहर आकर उनको आवाज दे। आपने कहा कि मैं असहज होकर इस्तीफा दे रहा हूँ, ऐसी कौन सी वजह? क्या जातिगत समीकरण है? पार्टी ने सीधी विधानसभा चुनाव में सिर्फ ब्राह्मणों को ही तरजीह दी है। विधायक देखिए तो ब्राह्मण, और अब सांसद के लिए भी उन्होंने विधायक का ही सांसद के लिए भी ब्राह्मण का ही चयन किया। क्या इस बात से आपकी नाराजगी है? मैं जातिगत राजनीति में नहीं विश्वास करता हूँ, लेकिन लोकतंत्र में सभी समाजों का प्रतिनिधित्व हो इस भावना में जरूर विश्वास रखता हूँ। और सभी संगठनों को, चाहे राजनीतिक संगठन हो चाहे गैर राजनीतिक संगठन हो, मैं समझता हूँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी समाज का प्रतिनिधित्व हो सके, जिससे कि सभी समाज की बात, सभी समाज की भावनाएं प्रतिबिंबित की जा सके। टिकट के लिए क्या दावेदारी थी आपकी? आप लंबे समय से हैं, आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं, आप नीर से जुड़े हुए हैं, आप ये कदम उठा रहे हैं, आप ऐसी क्या असहजता आपको दिखी? क्योंकि 18 वर्ष से बीजेपी की सरकार है, 5 वर्ष से आप भी सांसद हैं, तो ऐसी ये कमियां आपको कब से नजर आ गई? अब ये तो बहुत सारे विषय है, लंबी वार्ता है, लेकिन जब मैंने इस्तीफा दिया है तो ये चरम परिणति है, आप ऐसा मानते हैं। बातें बहुत लंबे समय से चल रही हैं और जो कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए इसका परिणाम। एक आखिरी सवाल हमारा आपसे, आपके इस्तीफे के बाद हम लोग और पूरे प्रदेश और देश में कयास लगाए जाएंगे, क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी इस तरह का संतोष व्याप्त है जिस तरह से आप में हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी में तो प्रवक्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी नहीं। आप क्या महसूस करते हैं, क्या इस तरह से पूरे? मैं केवल अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा हूँ। तो देखा आपने किस तरीके से अजय प्रताप सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन माना जा रहा है कि अजय प्रताप सिंह लोकसभा चुनाव में टिकट ना मिलने से नाराज थे। अजय प्रताप सिंह ने अपना इस्तीफा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप दिया, वहीं प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को भी भेज दिया और इसकी कॉपी सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दी। अब ऐसे में बीजेपी ने एमपी की सभी 29 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है और उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो नाराज रही है। आपको बता दें, सीधी में बीजेपी ने राजेश मिश्रा को अपना प्रत्याशी बनाया है और बीजेपी ने हाल में ही लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर अपनी उम्मीदवारों को उतार कर लिस्ट जारी कर दिया। ऐसे में पार्टी ने सीधी सीट से राजेश मिश्रा और छिंदवाड़ा सीट से विवेक बंटी साहू को और बालाघाट सीट से भारती पारधी और उज्जैन सीट से अनिल फिरोजिया को और धार सीट से सावित्री ठाकुर और इंदौर से शंकर लालवानी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। आपको बता दें, पार्टी छोड़ने वाले अजय प्रताप सिंह सीधी से चुनाव लड़ना चाहते थे। अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अब अजय प्रताप सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। बता दें,
कि विवेक बंटी साहू छिंदवाड़ा से कांग्रेस कैंडिडेट नकुल नाथ के चुनावी मुकाबला करते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में बंटी को इस सीट पर रिपीट किया गया है। वहीं इंदौर से शंकर लालवानी और उज्जैन से अनिल फिरोजिया को कहीं ना कहीं पार्टी ने दोबारा भरोसा जताया है। जब बालाघाट से भारती पारधी को पहली बार टिकट मिला है, जबकि धार से बात करें सावित्री ठाकुर की तो उनको दूसरी बार टिकट मिला है और इससे पहले वो 2014 में निर्वाचित हुई थी। लेकिन जिस तरीके से अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है और अजय प्रताप सिंह ने बीजेपी को झटका दिया है, माना जा रहा है कि ये बीजेपी के लिए तगड़ा झटका हो सकता है। अगर अजय प्रताप सिंह इंडिया गठबंधन के साथ जाके मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी का एक बड़ा नुकसान हो सकता है। अब ऐसे में देखना होगा कि अजय प्रताप सिंह को कोई और जिम्मेदारी भाजपा देती है या उनको मनाती हुई नजर आती है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अभी जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही है उस हिसाब से तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।